शिवसेना सांसद संजय राउत ने कोरोना वायरस पर राज्यसभा में चर्चा में भाग लेते हुए केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि क्या लोग भाभी जी के पापड़ खा करके रिकवर हो गए। संजय राउत ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के भाभी जी के पापड़ वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा, मैं सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि इतने सारे लोग आखिर कोरोना से रिकवर कैसे हुए? क्या लोग भाभी जी के पापड़ खाकर ठीक हो गए? यह कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि यह लोगों की जिंदगी बचाने की लड़ाई है। बता दें कि पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अर्जुन राम मेघवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह एक निजी कंपनी का भाभी जी पापड़ को लॉन्च करते हुए कह रहे हैं कि इस पापड़ से इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा। बता दें कि संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार पर 5000 डॉक्टरों की भर्ती नहीं करने का आरोप लगाया गया है। हमारी मौजूदा सरकार के बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में ही अगर भर्ती हो गई होती तो बुनियादी ढांचा बेहतर हो गया होता। उन्होंने हालांकि कहा कि बीजेपी नीत पिछली सरकार में शिवसेना भी शामिल थी। संजय राउत ने कहा, केंद्र ने 1 सितंबर से विभिन्न साजो सामान की मदद बंद कर दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र को पीएम केयर्स फंड से राज्यों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें जीएसटी के बकाए का ही भुगतान कर दिया जाए तो हम अपना काम चला लेंगे। बता दें, कोरोना वायरस पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा कि क्या लोग भाभी जी के पापड़ खा करके कोरोना से रिकवर हो गए? जानकारी सूत्रों एवं सूत्र स्रोत से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुतिक रिपोर्ट।